He was like, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉ आपको फॉलो करेगा। 15,000 डोंग में हम पहुंच रहे हैं बैंथन मार। इससे अच्छा क्या होगा, 50 रुपए में कोई वियतनाम फील्स नहीं। ख्वाब लड़की के चुनाव आज ही हमारे स्वागत है। यहाँ पे अभी आप 7 घंटे सड़ेंगे और हमें वियतनाम आते ही गफे पड़ चुके हैं। वहाँ के लोग इतने क्यूट हैं यार, सुंदरता भरी पड़ी है भाई। स्मार्ट लड़के, स्मार्ट अंकल। खुश हो रही हूँ, फाइनली वो दिन आ ही गया है जब हम सब जाने वाले हैं माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है ये। सो बैग सैग सब कुछ पैक हो गया, तो इस व्लॉग में हम यहाँ से जाएंगे होचीमिन सिटी, वहाँ पे मैं व्लॉग ख़त्म करूँगी और बीच में मैं आपको सारा प्रोसीजर बता दूँगी हमने क्या किया, कैसे किया ये वो। अभी हम लेट हो रहे हैं, हमारी फ़्लाइट है अहमदाबाद से रात को 12 बजे की और अभी बज रहा है 1 और अभी हम हैं पुणे में। तो पहले चलते हैं अहमदाबाद, फिर मैं आपको सारी बातें भी बताती हूँ। लेट्स गो। सो इस ट्रिप पे हमारा साथ देने वाली है प्रकृति अंताल। ये हम दो ही जा रहे हैं सिर्फ, फर्स्ट दोनों की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, देखते कैसे जाता है। फाइनली हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और अभी टाइम हो रहा है 2, इट है 3:30, थोड़े से लेट है। चुके हैं 2:30 और हम लेट हो गए। हमारी चेक इन हो चुकी है और बीच में थोड़े बहुत पंगे भी हुए हैं काउंटर पे, वो लास्ट ही था, वो बोल रहे थे इसके बाद किसी को अलाउड नहीं करेंगे। तो हम थैंकफुली हम पहुंच गए, बोर्डिंग होगा 3 बजे। ये कुछ पुणे का एयरपोर्ट है, हैं मेरा फ़ोन का चार्जर है वो चेक इन बैग में, तो हमें डर लग रहा था कि कहीं यू नो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, क्योंकि एक बार मेरा पावर बैंक रह गया था। वैसे पावर बैंक का रहता है क्या, हुआ तेरा फ़ोन कहाँ है? वाह, ये हम इंटरनेशनल ट्रिप, उसके नंबर पे कॉल करते हैं। मुझे ना अभी से डर लग रहा है हम सही सलामत जाए और हम सही सलामत वापस भी आ जाए। साइलेंट रखा होगा तो गया भी नहीं सकती, सामान पड़ा है इधर मिला। ये हरकतें हमारी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अलग ही रह गया था पासपोर्ट, रह गया था पासपोर्ट। जा रही है तो इंटरनेशनल ट्रिप, ये हमारी कुछ शुरुआत हो रही है ट्रिप की, ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आगे आगे देखते होता है क्या। ट्यून 8 दिसंबर हमारी और 8 दिसंबर को हमारी फ्लाइट है अहमदाबाद टू होचीमिन सिटी। अक्टूबर मंथ में करवा दी थी हमने। अच्छा, वहाँ पे वो भी नहीं है, स्टेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधा ऐसे में कभी नहीं गई। डालूंगी वी बुक द प्राइवेट जेट फ्लाइंग टू अहमदाबाद। फ्लाइट काफ़ी अच्छी थी, बोरिंग थी क्योंकि मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं ना बोर हो जाती फ्लाइट्स में। बस अभी हमारे पास 7 घंटे, हमारी फ्लाइट जो नेक्स्ट है वो 12 बजे और अभी 5 बज रहे हैं, फुल यहाँ पे लॉन्च ओपन होगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट में आपका स्वागत है, यहाँ पे अभी आप 7 घंटे सड़ेंगे। बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू गाइस। देखो पागल लोग, अगर आपने नहीं देखे तो मैं आज आपको अपने पागल लोग देख सकते हैं। बैग उस लड़की ने कैसे फेंका है और रीज़न पता क्या है, जस्ट बिकॉज शी इज़ अपलोडिंग वन स्टोरी फॉर 150 फॉलोअर्स। ये हो रहा है इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी। ओके गाइस, तो हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 किलोमीटर दूर है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। शटल नहीं है कोई, ओके आना चलो पैदल। ओके गाइस, हमने पता किया, पूछा शटल का, ये लोग 150 रुपया लेते हैं और आपको हार्डली 10 मिनट की वॉक भी नहीं करनी है और आप आराम से पहुंच जाओगे। चल चल पार्चर वन। फाइनली हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये देखना मैंने वीडियो बनाने के लिए इसके कपड़े भी उतार दिए। पासपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे है? पासपोर्ट बैग में लाया है ना, पासपोर्ट है ना, भूलते नहीं है। ये जो आ रही है हमारी होचीमिन की है 12:05 पे, हनोई की भी है ना 11:10 पे, 11:40 पे, सिंगापुर, दिल्ली, मुंबई। दिल्ली मुंबई यहाँ से क्यों, दिल्ली मुंबई अपने आप को इंटरनेशनल है ना। ये बैग बंद कर दिया था लड़की ने, तोड़ दिया फिर डाल। ओके, तो हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हैं, तो अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है चेक इन,
तो ये लोग, हम कितने बजे आ गए हैं? 6 बजे ही आ गए, 6:30 हो रहे हैं और हमारी फ़्लाइट है 12 बजे की। तो एक बार जब चेक इन स्टार्ट हो जाए, चेक इन करने के बाद ही आप इमिग्रेशन में जा सकते हो और फिर उसके बाद आप वापस नहीं आ सकते यहाँ पे। हमारी जो लैंडिंग है वो हो ची मिन्ह सिटी में है और हम वापस जो है वो आ रहे हैं हम हनोई से। तो यस, और हमारी ये जो हमें टिकट की कॉस्ट पड़ी है पर पर्सन हमें 20,000 कुछ पड़ी है। हाँ जी, हेलो कर दो व्लॉग को, हेलो कर दो। हाय, तो मैं वहाँ पे फोटो खिंचा रही थी एक्चुअली, तो आंटी मेरे को बोलते यहाँ पे भी निकालो फोटो, में दूसरे बाहर वाले वॉशरूम में थी, तो आंटी मुझे मिरर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मिरर है बहुत बड़ा। थैंक यू आंटी। हम इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, हमने बैग दे दिया है और बैग कितना वेट हमारा हुआ, 18 या 19 kg कुछ हुआ, तो 20 kg अलाउड है, तो आराम से हो गया सब कुछ। अभी हम इमिग्रेशन फर्स्ट टाइम कराएंगे, कुछ भी एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी, ये इमिग्रेशन वगैरह हो गई है हमारी, और इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ रही है वैसे तो, पर इमिग्रेशन वाले क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो। मैंने ना वहाँ पे मतलब वीडियो वगैरह बना रही थी, तो बोलते वीडियो डिलीट कर दो, मैंने बोला हाँ सर कर देंगे। हाँ सर, हम लॉ को फॉलो करते हैं, वॉज लाइक अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉ आपको फॉलो करेगा। वॉज लाइक हाँ सर, मैं कर रही हूँ डिलीट। तो या ये कुछ ऐसे कुछ हमारी इमिग्रेशन हुई। 8 बज रहे हैं अभी, 12 बजे की फ़्लाइट है, तो 11 बजे तक चल। आई डोंट नो, ड्यू टू सम ग्लिच GoPro में वॉल्यूम नहीं आई है इस वीडियो में, तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको मैं वीज़ा का प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही थी। तो वीज़ा जो है हमने वो 15 डेज़ पहले अप्लाई कर दिया था। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बहुत ही ईजी स्टेप्स आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है हमने वो फ़ोन पे ऐप से लिया था, 450 रुपीज़ पर पर्सन, और टिकट जो है हमको वो 20,000 की पड़ी थी। इमिग्रेशन वो स्मूथ, सब कुछ आराम से हो गया था। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपना, क्योंकि हमें लॉन्च का एक्सेस नहीं मिला था। देवर सेइंग कि 10 बजे से पहले हम आपको एक्सेस नहीं देंगे, तो हमने 1 घंटा यहीं पे बैठ के चिल गया था। मैंने आपसे बातें की थी जो आपको सुनाई नहीं दी, तो मैंने वॉइस ओवर कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा देती हूँ। अहमदाबाद का ऐसा तो वेट करने के बाद हमें लॉन्च एक्सेस मिल रहा है। यहाँ पे खाना खाएंगे, निकल जाएंगे वियतनाम। अगर आपको नहीं पता कि लॉन्च का एक्सेस कैसे लेना है, तो क्रेडिट कार्ड आप ले लो, ठीक है, ICICI का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, कोरल वाला, उसमें एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे जब भी आप क्रेडिट कार्ड लो तो आप पूछ लेना, इसमें लॉन्च एक्सेस। फाइनली हम लॉन्च में एंटर कर चुके हैं, लॉन्च दिख रहा है इनका, बहुत ही बेसिक सा बैंगलोर का लॉन्च, जैसे लॉन्च मैंने आज तक नहीं देखा। बैंगलोर का लॉन्च ब्रको, बैंगलोर का एयरपोर्ट और बैंगलोर का लॉन्च दी बेस्ट, जितने भी लॉन्चेस मैं अभी तक गई हूँ सबसे बेस्ट बैंगलोर पे। वो ऐसे लगता है कि भाई कोई रेस्टोरेंट में आ गए हो तुम, अब जल्दी से हम कुछ मान 2 रुपये में 1,000-1,200 का खाना ठूसेंगे। फाइनली फूड इज हियर, भूख नहीं है ये माए। खाना अच्छा है, 10:40 हो गए। फिर डिश भी आ चुकी है हमारे पास है, कुकी, पेस्ट्री, कालाकंद, ब्राउनी, और प्रकू ने कोई 100 प्लेटें खा ली हैं। ये एक प्लेट, ये दूसरी, ये तीसरी, मेरी एक और दो। लेकिन यहाँ पे ना ये लोग रीफिल ही नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है। इंडियन खाए हैं, बार बार खाएंगे। ओके गाइस, सो फाइनली लॉन्च को हम कर रहे हैं बाय बाय, और हमारी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। और फ्लाइट में भी ये लोग फ्री का पानी नहीं देते हैं, तो हम पानी की बॉटल भर रहे हैं। तो चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं। फाइनली विंडो सीट, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल ट्रैवलिंग टुगेदर।
आप देख सकते हैं मेरे वियतनाम के नेटवर्क आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे उल्लू बना रहा है फोन। कोई वियतनाम फील्स नहीं है, सिर्फ नींद आ रही है। बैठ जाइए। और 2 बजे हमारा चेक इन है, सुबह के 7 बज रहे हैं इंडिया के हिसाब से, 5:30 बज रहे हैं इनके हिसाब से, 7:30। तो मेरा कैसे 7 बज रहा है? दिल्ली को चाहिए। वाह, मेरे फ़ोन में 7 बज रहे हैं। ठीक है, 5:22 हो रहे हैं इंडिया का टाइम। फ़ोन अपने आप ऑटोमेटेड अपडेट। पैसेंजर्स अपनी जगह पे कॉन्टैक्ट नहीं इंडियंस के साथ, आई समझ कोविड लेके आ सकते हो। और क्या, पागल ही प्रिकॉशंस होते हैं। हमें ना बेल्ट नंबर भी नहीं पता है, हमने हमने सुना नहीं, एक्चुअली उन्होंने बताया भी नहीं, तो हम पता नहीं क्या करेंगे। लोगों को फॉलो करेंगे। यार मेरा बोर्ड भी आना था यार, एक्चुअली कोई भूल गया होगा, एक्चुअली मैंने भी बुलाए थे लोग लेकिन अब आए नहीं। यार यहाँ के लोग इतने क्यूट हैं यार, सुंदरता भरी पड़ी है भाई वियतनाम में। स्मार्ट लड़के, स्मार्ट अंकल, ख्वाब लड़की के सुना आज ही हमारे स्वागत। यार मुझे ऐसे लग रहा है कि और हमें वियतनाम आते ही गफ्फे पड़ चुके हैं, हमें इस कंट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा बहुत जल्दी। बट हाँ यार, बड़े क्यूट क्यूट लोग हैं यार यहाँ पे। तो आई विल सी यू एक बार सब चेकिंग वेकिंग कराने के बाद। इमिग्रेशन हो चुकी है, हमें आधा घंटा लगा है मैक्सिमम। तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया है, वीज़ा चेक किया है, और बस वो स्टैम्प लगाई है, ये फर्स्ट स्टैम्प। अभी हम यहाँ से बैग लेंगे, अभी मुझे बैग दिखा तो नहीं है। और ये कुछ है कोची मिन का एयरपोर्ट, बेसिक सा ही है, कुछ खास नहीं। ओके गाइस, अपडेट के लिए मैं आपको बता दूँ, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह इन्होंने चेक नहीं किया और ना ही हमें बुकिंग्स के बारे में पूछा, लेकिन मेक श्योर कि आप बुकिंग्स पहले से ही करवा के आएँ। हमने अपनी सारी बुकिंग्स booking.com और Klook.com से की थी। ओके गाइस, तो यही कुछ है एयरपोर्ट। थारिस जाना है गाइस, थारिस। बैग्स अभी आए नहीं है, तो अभी हम बैग्स वगैरह लेते हैं। अभी हम यहाँ से कैसे जाएंगे अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिम भी नहीं है। और लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि सिम हम यहाँ से नहीं लेंगे जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे हमें जो रेट्स हैं वो कॉस्टली पड़ेंगे। तो देखते हैं, बाहर जाके टैक्सी पूछेंगे। तो हम इतने क्यूट बच्चे हैं, क्या बताऊँ मैं, अब क्यूटनेस ओवरलोडेड। ओके बैग आ चुके हैं, टैक्सी भी है, टैक्सी भी है। ये कुछ इसका एग्जिट है कोची मिन का। धूप हो गई तगड़ी, यहाँ बड़ी गर्मी है यार। कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? टेम्परेचर है 26। ओके, प्रॉब्लम ये हो गई है कि ग्रैब तो मतलब नेट तो आप यहाँ पे वाईफाई तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन ग्रैब बिना सिम के चलेगा नहीं। और हम सिम यहाँ से लेने का नहीं सोचे, क्योंकि यहाँ पे रेट्स थोड़े से ज़्यादा हैं। तो अब शायद टैक्सी बुक करवाएंगे, या बसेस भी जाती हैं, मैंने थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ा था। लेट्स सी, रेट पता कर लेते हैं। व्हाट्स दिस? हाय, कॉल प्लस डेटा, नो कॉलिंग, दिस इज नो कॉलिंग, या यू हैव 5 GB पर डे। ओके, 3 लाख डोंग की ये लोग दे रहे हैं, 5 GB पर डे, उसमें कॉल्स नहीं है। बट इट्स बिट कॉस्टली, अभी हम देखते हैं। ओके दिस वन राइट, 2,40,000। ओके थैंक यू। नो ओके, तो हमने सोचा कि पता कर लेते हैं, बट आई बिलीव 2 लाख हो गया। 800 रुपये ले रहे हैं हमसे डिस्ट्रिक्ट 1 का, क्या करें हम? We don't have any option. Either we have to book the car or we have to take the SIM. टैक्सी करते हैं, और टैक्सी वाले को बोलते हैं किसी सिम वाले के पास, फिर सिम बाहर से लेते हैं। तो फिर यहीं से करनी, बाहर भी चलते हैं, टैक्सी बाहर भी होंगी। चलो
बाहर भी चलते चल एक बार। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है करेंसी एक्सचेंज की है वो, लेकिन हम करेंसी थोड़ी सी लेके आए थे सेफ साइड के लिए, बाकी न्यू एक्स भी लेके आए हैं हम तो। यस एग्जिट करते हैं। ये कुछ एयरपोर्ट एयरपोर्ट, हम सोच रहे हैं कि बस सर्च करेंगे, अगर बस मिल गई तो बेस्ट है। लेट्स सी। ओके गाइस, बजट ट्रिप हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमें आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट के बाहर से बसेस मिल गई हैं जो सिर्फ 15,000 डोंग, मतलब कि 51 रुपीज़ भाई, 50 रुपये में हम बेंथन मार्केट पहुँच जाएंगे। मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, आपको यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकलना है, ठीक है। ये बसेज आपको दूर से ही दिख जाएंगी, ये वाली बस है, आप इनसे पूछ लेना, मैं आपको रूट भी दिखा देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाती है बस, ठीक है। बेंथन बस फेयर भी लिखा है, 8,000 BND, 13,000 BND। कार्ड इज एक्सेप्टेबल? बैग्स रख दिए हमने पीछे, एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लोर वियतनाम इन लोकल बसेस। ये 15,000 डोंग में हम पहुंच रहे हैं बेंथन मार्केट, इससे अच्छा क्या होगा 50 रुपये में। ओके दिखाना कार्ड, दिस इज आवर कार्ड नियो एक्स, इसी को हम यूज करने वाले हैं। होपफुली कार्ड चल जाए, पीछे भी कोई यूज कर रहे हैं उनका चल नहीं रहा है, हमारा देख के चलता नहीं चल। आई डोंट थिंक इट विल वर्क, देन आई विल गिव यू कैश। फाइनली थैंक यू, चल गया भाई ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, थैंक यू सो मच। नाइस, पैसे बच गए। It's working. It's working. I believe it's the difference between Neo Global and X. कुछ हो गया, हमने सिर्फ हमारे Neo X में सिर्फ 100 रुपीज़ कटे हैं, और जो टैक्सी है वो 900 रुपीज़ बता रहे थे अगर आप एयरपोर्ट से। सो मेक श्योर कि आप बाहर आके थोड़ा एक्सप्लोर करो, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में यू नो टैक्सी करा दो, लेट हो रही है वो, आराम से आओ बाहर, बसेज मिल जाएंगी 100 रुपये में आपको आपकी जगह पर पहुँचा देंगे। बाकी न्यू एक्स आराम से वर्क कर रहा है और कैश आप रख सकते हैं। शी इज़ वे टू हमको इनका कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स आएंगे और छोटे ब्लॉग्स आएंगे, तो होपफुली आपको अच्छा लगा। उन सिटी में हमने लैंड किया, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अभी हम जाएंगे सीधा स्काई सेंटर होस्टल, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।